खरगोन जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि खरगोन जिले में अब तक सैकड़ों मरीज बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका सुचारू रूप से इलाज करवाया जा रहा है। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 147 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल निमाड़ अंचल में अगर खरगोन जिले की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों के भंवर में जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। लिहाजा गुरुवार को सबसे अधिक 57 लोगों के बीमार की होने की पुष्टि के बाद जिले में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 743 तक जा लगा है। इस दौरान मीडिया चर्चा में जिला नोडल अधिकारी दिव्येश वर्मा ने बताया कि उक्त परिस्थिति लॉकडाउन के बाद निर्मित हुई है, जिसके लिए निश्चित तौर पर आमजन जिम्मेदार है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कुछ केस और आया, सबसे ज्यादा कल केस आया पॉजिटिव। कल 47 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो अपने टोटल केस हो गए हैं 740 और अपने 17 की डेथ है और 545 अपने रिकवर हो चुके हैं। छोटी छोटी जगह से निकलते जा रहे हैं। खरगोन के कल 11 थे, कसराव के 11 थे, बाकी चार पाँच जैसे छोटी मोटी जगह में सब 11। क्या मानते हैं सर, ये पूरे जिले में जिस तरह से चल रहा है, कि वैक्सीन हो गया है, कि कोई जल्दी टीकाकरण ऐसा कुछ? अब रीजन वही, लॉकडाउन के बाद में सब लोगों को आना जाना फ्री हो गया है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये तो करना ही है। जब तक पूरे लोग सब मास्क नहीं पहने तो इसकी ट्रांसमिशन तो हम रोकना असंभव लग रहा है। और जनता बिल्कुल समझ नहीं रही है, कोई मास्क भी पहनता तो गले में लटका लेता है या नाक को खोल के बातें करने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।